नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नौसेना के नए निशान पर अनावरण किया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन समेत अन्य सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि आज केरल के समुद्री तट पर भारतवासी एक नए विश्व के समुद्री पर रक्षा बना रहा है। विक्रांत पर हो रहे योजना विशेष सतीश पर भारत के विपुल होते हुए हौसले की हुंकार है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विक्रांत विश्वित है। 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव के प्रतिबद्धता का परिणाम है। पीएम मोदी कहा कि आज विक्रांत को देखकर समुद्र की लहरें अवकार ले रही हैं। इसके एयरबेस में भी स्टील लगी है, जो स्टील स्वदेशी है। कोचिन शिपयार्ड पर तैयार किए गए मेक इन इंडिया के तहत इस विमान वाहन पोत पर निर्माण में 20,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई है। इस पोत के आधिकारिक तौर पर शामिल होने से अब नौसेना की ताकत डबल हो गई है। 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा आईएनएस विक्रांत 18 समुद्री मीटर से 7,500 समुद्री मील की दूरी पर है। भारत से पहले 5 देशों ने 40,000 टन से अधिक वजन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार किया है। आईएनएस विक्रांत के वजन की तरह 45,000 टन का है। भारतीय नौसेना के वाइस चीफ वाइस एडमिरल SN गोडमानिक ने कहा है कि आईएनएस विक्रांत हिंद प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस जहाज में लगभग 2,200 कमरे हैं। इसमें चालक दल के लगभग 1,600 समुद्री के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें महिला अधिकारी और नौसैनिकों को संयोजित करने के लिए विशेष केबिन बना है। जहाज में नवीनतम चिकित्सा उपकरण सुविधाओं के साथ एक अत्याधुनिक चिकित्सा परीक्षण है, जिसमें प्रमुख मॉड्यूलर OT ऑपरेशन थिएटर, आपातकालीन मॉड्यूलर OT, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, ICU लेबोरेटरीज, CT स्कैनर, एक्सरे मशीन, आइसोलेशन वार्ड और टेलीमेडिसिन सुविधाएं मिलेंगी।